सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। और मैं अनिता शारदा आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत टाइम से, पुराने टाइम से ये रेमेडी चली आ रही है। इसका उपयोग करने से जो हमारी स्किन है उसमें से जो डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं, जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊँगी। आज के टाइम में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि आज के टाइम में हम जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं तो पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन के अंदर जो है वो गंदगी जमा हो जाती है, और जो हमें पोर्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और वो पोर्स की जो शेप है वो और लार्ज होती चली जाती है। तो उससे जो क्या है, हमारी स्किन बहुत गंदी नज़र आती है। तो पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए परमानेंटली और साथ ही साथ आपकी स्किन में से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाए अच्छे से, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो इस रेमेडी में आपको मैं बताने वाली। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ हमें चाहिए हबिस्कस पाउडर। ये दोनों पाउडर हम मिक्स करेंगे विद थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले थोड़ी सी अमाउंट में ले लेती हूँ, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करूंगी यहाँ पे, और साथ ही साथ 2 चम्मच में यहाँ पे सेम हबिस्कस पाउडर जिसे हम बोलते हैं गुड़हल के पाउडर का पेस्ट है, ये गुड़हल का फूल बोलते हैं जिसे। इसमें विटामिन सी की जो अमाउंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके भी मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। सो ये दोनों हो गए ऐड। मुल्तानी मिट्टी का बताने की ज़रूरत नहीं है, मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम इतना हाई रिच क्वांटिटी में होता है कि मैग्नीशियम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इस मुल्तानी मिट्टी में काफ़ी मिनरल्स होते हैं जो अच्छे होते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल। तो इन दोनों में जो मैंने पाउडर मिक्स किए हैं उसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लूँगी। तो आपको इतनी अमाउंट में ऐड करना है ताकि ये पेस्ट जो है वो अच्छे से आपके फेस पे लगाने के लायक बन जाए। सो अभी इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से ऐसे मिक्स करना है चम्मच की हेल्प से, या अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ताकि जो ये पेस्ट है आपके फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी अभी भी थिक है पाउडर। सो इसकी क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे यहाँ पे। सो हल्का सा इसमें ऐड कर लेंगे हम पानी, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनिंग हो जाए, ताकि ये हमारे फेस के ऊपर अच्छे से टिक पाए। तो आप इसका पाउडर देख सकते हैं, इसका जो पेस्ट है पाउडर्स का वो कैसा दिख रहा है आपको। सो इस पेस्ट को हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो आप हाथों की हेल्प से भी, फिंगर्स की हेल्प से भी इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। गुड़हल का जो पाउडर होता है इसमें विटामिन सी बहुत रिच अमाउंट में मिलता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, क्योंकि विटामिन सी एक टाइप से ब्लीचिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है और बहुत ही ज़्यादा साफ बनाता है, सुंदर बनाता है। स्किन वाइटनिंग में भी ये हेल्प करता है, जो आपकी स्किन का कलर होता है उससे थोड़ा सा एनहांस कर देता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। विटामिन सी के इतने फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ जो हमने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर इसमें ऐड किया है, उसकी हेल्प से आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी सूखने के बाद। जब वो टाइट होना स्टार्ट होगी तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनमें खिंचाव पैदा होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर की जमी हुई गंदगी अच्छे से निकल जाएगी। तो ये इतना इफेक्टिव है। सो मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी बहुत से आयरन जैसे बहुत से मिनरल पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फ़ायदेमंद हैं। पुराने टाइम में मुल्तानी मिट्टी से सर बालों को भी धोया जाता था, साथ ही साथ इनके साबुन बनते थे, पूरी बॉडी पर इस साबुन को मला जाता था, क्योंकि उस टाइम पर होममेड साबुन ही चलते थे। तो मुल्तानी मिट्टी से ही अपने फेस को वॉश किया जाता था। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एक थिक सी लेयर लगा के, और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। बाकी जो पार्ट बच जाता है वो अपने हाथों और पैरों पे भी लगा सकते हैं। सो आपके जो हाथ और पैर हैं वो भी काफ़ी सुंदर नज़र आएंगे। तो काफ़ी इफेक्टिव है, आप चाहो तो अपने नेक के ऊपर भी लगा सकते हो, बट मैंने अपने फेस के ऊपर ही अप्लाई किया है। सो इसको मैं अभी सूखने दूंगी, सूखने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी, तब तक आप वेट कर लीजिए। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो थोड़ी देर इसको मैं ड्राई होने देती हूँ, सो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सो यहाँ पे जो मेरा फेस है वो सेमी ड्राई हो चुका है, आप चाहो तो इसको फुली ड्राई कर सकते हैं। अगर आपने इसको फुली ड्राई करना है फेस को, तो आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है फिर, और हंसना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप रिएक्ट करोगे फिर आपके फेस के जो पोर्शंस है वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए सेमी ड्राई करने के बाद अभी मैं इसको वॉश करने वाली हूँ, तो वॉश करने के बाद आपको मैं अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सो यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं
पास से आपको दिखाऊं तो मेरे फेस के जो पोर्स है वो काफ़ी क्लीन हो चुके हैं और स्किन इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको रिजल्ट एक बार में ना मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं इतना कहूँगी। एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ या स्किन केयर के बारे में बताती हूँ, तो डेफिनेटली पहले मैं खुद पे यूज़ करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि उसका जेन्युइनली मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।